दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन में टाइप सी पोर्ट है और अगर आपका फ़ोन टाइप सी की एक अल्टरनेट मोड HDMI को सपोर्ट करता है, तो आप कुछ इस तरह के हब को यूज़ करके इजीली अपने स्मार्टफोन को कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली इस हब को अपने स्मार्टफोन की टाइप सी पोर्ट के साथ प्लग इन कर लेना है और डिस्प्ले के लिए इस HDMI पोर्ट का आपको यूज़ करना है, जिसमें आप TV, मॉनिटर कुछ भी लगा सकते हो। साथ ही एक कीबोर्ड एंड माउस को इन USB पोर्ट्स में प्लग इन कर दीजिए और बस आपका मोबाइल फ़ोन एक छोटे से कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा। रुकिए दोस्तों, अभी आप वीडियो को बंद मत कीजिए, अभी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, तभी जाके आपको इस तरह के हब को परचेस करना चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने फ़ोन को ख़राब कर सकते हो या फिर आपके पैसे की भी बर्बादी हो सकती है। आपको यहाँ पे मेनली दो चीज़ों के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। सबसे पहले, आप जो हब परचेस कर रहे हो उसमें कौन से इंटरफेसेस की सपोर्ट है और उसके साथ आपके फ़ोन की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। बाय द वे, मैं केबल क्रिएशन को थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर प्रोवाइडिंग मी सच एन ऑसम गैजेट। एनीवे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जैसा इंटरफेस आप मेरे केस में देख सकते हो, ऐसा इंटरफेस आपको हर कंपनी के फ़ोन के साथ देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ जिन फोन्स में सैमसंग डेक्स इंस्टॉल हो सकता है, उन्हीं फोन्स में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मोस्टली सैमसंग फोन्स में ही सैमसंग डेक्स एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। अब सवाल यह आती है कि जिन फोन्स में टाइप सी पोर्ट है, क्या वो सारे फोन्स इस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, हम उसमें मॉनिटर या फिर TV वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका फ़ोन HDMI अल्टरनेट मोड को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल डिस्प्ले अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अब आपके फ़ोन में HDMI आउट की ऑप्शन है या फिर नहीं, या फिर यू कह लो HDMI अल्टरनेट मोड की ऑप्शन है या फिर नहीं, इस बारे में अगर आपको पता करना है तो आपको सिंपली गूगल करना पड़ेगा। मैं आशा कर सकता हूँ कि डिफरेंट फोरम से आपको पता चल ही जाएगा। अगर मैं केबल क्रिएशन की इस USB हब की बात करूं, तो इसमें हमें मिलती हैं दो USB 3.0 पोर्ट्स, एक SD कार्ड स्लॉट, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, एक USB CPD पोर्ट डिवाइस को चार्ज करने के लिए, एक HDMI पोर्ट और एक गीगाबिट लैंड पोर्ट। चलिए अब एक बार सभी पोर्ट्स को टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि HDMI तो पहले से ही कनेक्टेड है, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ कि जहाँ पे मैंने माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करके रखा था उनको निकाल दूंगा और एक छोटा सा USB हब यहाँ पे मैं प्लग इन कर दूंगा। इस USB हब में मैं माउस एंड कीबोर्ड को लगा दूंगा ताकि मुझे एक और USB 3.0 पोर्ट इस हब से खाली मिल जाए, और जो USB 3.0 पोर्ट मैंने छोड़ दिया था उसमें मैं एक 1 TB की हार्ड डिस्क कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि इतने सारे डिवाइसेस को चलने के लिए ऑब्वियसली अलग से हमें पावर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो फ़ोन की टाइप सी पोर्ट की थ्रू आउटपुट है, वो इतने अमाउंट पे पावर को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कि इतने सारे डिवाइसेस को हैंडल कर सके। तो इसीलिए हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने से पहले अपने फ़ोन की चार्जर के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट कर देना चाहिए, ताकि फ़ोन भी चार्ज हो और इस हब के साथ जितने भी डिवाइसेस चल रहे हैं उनको भी प्रॉपर अमाउंट पे पावर मिल सके। आइए अब यहाँ पे इथरनेट को भी प्लग इन कर देते हैं। इससे ऑब्वियसली मेरे फ़ोन की जो वाईफाई है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी। मैं अभी आपको जितने भी टेस्ट सिखाऊंगा वो सब कुछ सैमसंग डेक्स के अंदर ही होगा। मैं बाद में आपको बिना सैमसंग डेक्स के भी जो इंटरफेस है वो भी दिखा दूंगा। जैसे अभी पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, चलिए एक बार चेक करते हैं कि जो हार्ड ड्राइव मैंने अभी अभी कनेक्ट किया था 1 TB की, वो डिटेक्ट हुई है या फिर नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो हार्ड ड्राइव डिटेक्ट हुई है, वो अभी FAT32 फाइल सिस्टम में फॉर्मेटेड है। अगर FAT32 ना होता तो मैं इस ड्राइव में कोई भी फाइल अपने मोबाइल फ़ोन से कॉपी नहीं कर सकता। तो मैं अभी एक 1.5 GB की फाइल एक बार ट्रांसफ़र करके देख लेता हूँ कि वो कितना टाइम लगाता है। यहाँ पे कोई इंडिकेशन तो नहीं है कि कितने स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र हो रही है या फिर कितना टाइम लगाएगा, पर मैं जितना अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि 20 से 30 सेकंड के अंदर एक 1.5 GB की फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना स्पीड हमें मिल रहा है। चलिए इस टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रेस देके देखते हैं। यहाँ पे हम 1 TB की जो हार्ड ड्राइव है उसको निकाल देंगे और उसकी जगह पे हम एक 4 TB की हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करेंगे जो कि NTFS फाइल सिस्टम में फॉर्मेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हो कि आराम से डिटेक्ट हो रही है और इसमें जितने भी वीडियो फाइल्स है वो इजीली प्ले हो रही है। ऑल दो मैं NTFS फाइल सिस्टम में जो ड्राइव है इसमें कुछ भी डेटा कॉपी नहीं कर सकता, पर फिर भी जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस आप देख रहे हो कि चीज़ें कैसे हो रहा है। बाय द वे, इस फोल्डर में जितने भी वीडियोस है वो सारे के सारे 500 MB से ऊपर की ही है। चलिए एक बार इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करते हैं। जो इथरनेट केबल मैंने प्लग इन किया था उसके जरिए मुझे कितना स्पीड मिल रहा है।
मेरे पास 60 Mbps की कनेक्शन है, मुझे अप्रॉक्सीमेटली 60 Mbps की डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड मिल रही है। इस हब में जो USB-C चार्जिंग पोर्ट है वो अप टू 100 W तक की पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है, मतलब आप इस हब के इस USB पोर्ट के ज़रिए, इस USB-C पोर्ट के ज़रिए अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो, अगर उसकी पावर डिमांड, उसकी चार्जिंग के दौरान पावर डिमांड 100 W से कम है तो। क्यों मैं 100 W से कम कह रहा हूँ? क्योंकि जो ये डिवाइस है, जो ये हब है, इसको चलने के लिए, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लोड कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है उस हिसाब से 2 W से 8 W तक वो पावर कंज्यूम कर सकता है। जो USB हब है ये 2 W से 8 W तक पावर कंज्यूम कर सकता है। मैं इस केस में जो चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास अभी कोई 100 W की चार्जर तो है नहीं, मैं जो चार्जर यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ 18 W का चार्जर है, तो इसमें से जो 8 W है वो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि जो डिवाइसेस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, साथ ही साथ माउस, कीबोर्ड और साथ ही साथ जो ये हब है, ये खुद जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो मिला जुला के 8 W तक हो ही जाएगा। अगर 8 W नहीं भी होता है तो 6 W तक तो कंज्यूम कर ही रहा है, तो मेरे फ़ोन को सिर्फ 12 W ही शायद मिल रहा होगा। इसीलिए मेरा फ़ोन जो है वो फास्टली चार्ज भी नहीं हो रहा, वो नॉर्मली चार्ज हो रहा है, पर काम कर रहा है, चार्जिंग भी सही सही काम कर रही है। अगर मेरे पास 25 W का चार्जर होता तो मैं इस चीज़ को और भी अच्छी तरीके से टेस्ट कर पाता। और आप कभी भी ये अज्यूम मत कीजिए कि आप बिना एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड करके इस हब को मैक्सिमम लोड पे यूज़ कर पाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो स्मार्टफोन है वो अपने USB टाइप सी पोर्ट के ज़रिए 5 W से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा। जो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स हैं वो अपने टाइप सी पोर्ट के ज़रिए 5 W तक की पावर प्रोवाइड कर सकता है मैक्सिमम। और हाँ, अगर आप इस हब के साथ सिंपली एक डिस्प्ले को कनेक्ट करते हो, एक नॉर्मल कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करते हो, तो कोई भी एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डिवाइसेस वर्क करेगा, पर इस दौरान आपके स्मार्टफोन से ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी, आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं इनको चलने के लिए पावर तो चाहिए ही। वो पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब बात करते हैं बिना सैमसंग डेक्स की जो इंटरफेस है वो कैसा होता है। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, जो स्क्रीन है वो बिल्कुल वर्टिकली हो चुकी है, और अगर आपको स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली करना है तो आपको नॉर्मली अपने फ़ोन से जो इसे आप हॉरिजॉन्टल करते हो स्क्रीन को, ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके बाद इंटरफेस कुछ ऐसा लगेगा। YouTube वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो बड़े ही आसानी से, और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हो तब भी आप इस चीज़ का हेल्प ले सकते हो। अगर आपको इस तरह का कोई हब परचेस करना है तो मैं परचेसिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, इससे मेरे चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। और सच बताऊँ तो ये जो हब है ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, बार बार यूज़ किया है, बार बार कनेक्ट डिसकनेक्ट किया है, एक बार भी मिसकनेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है ये सब कुछ सही रहेगा। बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल उसको जरूर टैप कर दीजिएगा, इससे होगा जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को भी पसंद कर दो। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।